चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक की घटना चक्र वार शेषांक 2019 को। तो इसमें पिछले लेक्चर तक हम लोग बात कर चुके हैं संघ और संगठन के बारे में, ठीक। उससे पहले हम लोगों ने संधि समझौते देखे थे। अब बात करते हैं विधि और न्याय के बारे में, विधि या न्याय, ठीक। तो याद रखिए, जितने भी अभी तक लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म कर चुके हैं इसका। तो आप लोगों को समसामयिक की घटना चक्र 2019 के नाम से जो सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं, ठीक है, वहां जाके देख लें। चलिए विधि न्याय तंत्र को देखते हैं। गुजरात आतंकवाद नियंत्रण और संगठित अपराध अधिनियम, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा विधेयक को मंजूरी दी गई है। इस नए अधिनियम के तहत मुख्य प्रावधान यह है कि अब टेलीफोन पर भी की गई बातचीत के रिकॉर्ड को एक वैध साक्ष्य माना जाएगा। अगली हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र अधिनियम 2019 अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पारित हुआ है। इस अधिनियम के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति को उन लोगों की पहचान करने और प्रतिबंध लगाने का अधिकार देने का प्रावधान है जो हांगकांग में स्वायत्तता और मानवाधिकारों के गंभीर हनन के लिए जिम्मेदार है, ठीक। अगला, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक 2019। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर में राज्य विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। आगे, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उत्पादन विनिर्माण आयात निर्यात परिवहन विक्रय वितरण भंडारण और विज्ञापन निषेध अध्यादेश 2019। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस अध्यादेश की घोषणा को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पहली बार अपराध के मामले में 1 वर्ष तक की कैद अथवा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों और अगले अपराध के लिए 3 वर्ष तक की कैद एवं 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के भंडारण के लिए 6 माह तक की कैद अथवा 50,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड के लिए दिए जाने का प्रावधान है। फिर स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मी और नैदानिक प्रतिष्ठान विधेयक 2019, हिंसा एवं संपत्ति क्षति निषेध। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस विधेयक का मसौदा जारी किया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया गया। चिकित्सा कर्मियों के प्रति हिंसा करने और चिकित्सा प्रतिष्ठान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के लिए 6 माह से 5 वर्ष तक की कारावास की सजा और 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा कर्मियों को गंभीर चोट पहुंचाने वाले व्यक्तियों के लिए 3 से 10 वर्ष तक के कारावास की सजा 2 से 10 लाख रुपये तक की जुर्माने का प्रावधान है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2019। हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया इस विधेयक का उद्देश्य बलपूर्वक अबाध्यता या विवाह के माध्यम से कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है। नए विधेयक में मौजूदा कानून के तहत विदत्त 3 वर्ष तक के कारावास की तुलना में 7 वर्ष तक की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2019, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस अध्यादेश से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश के तहत अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 12% से बढ़ाकर 13% एवं पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण नियम 2019, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रख्यापन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, ठीक है। नए नियम में बालकों के विरुद्ध बालकों द्वारा किए जाने वाले सामान्य से जघन्य अपराधों का वर्गीकरण एवं किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विधि विरोध बालकों के संबंध में लंबित जांचों के समयबद्ध निस्तारण का प्रावधान किया गया है। अगला है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई है। इस अधिनियम के तहत भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम
1956 को निरसित किया गया है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 10 पूर्ण सदस्य पदेन सदस्य और 22 अंशकालीन सदस्य होंगे। आगे बात करते हैं भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2019 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई है। इस अधिनियम में प्रमुख हवाई अड्डों के लिए वार्षिक यात्री यातायात की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख से अधिक करने का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया 6 अगस्त 2019 को। इस विधेयक में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिए जाने का प्रावधान है। बात करते हैं राजस्थान मॉब लिंचिंग से संरक्षण विधेयक 2019 राजस्थान विधानसभा द्वारा ध्वनि मत से पारित किया गया है। इस विधेयक के तहत मॉब लिंचिंग भीड़ द्वारा की गई हिंसा की घटनाओं में पीड़ित की मृत्यु होने पर दोषी को आजीवन कारावास और 1 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में 2 या अधिक समूह को मोब माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अभी नियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। यह अधिनियम अनियंत्रित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु एक तंत्र प्रदान करता है। इसके तहत अविनियमित जमा को स्वीकार करने पर 2 से 7 वर्ष तक के कारावास और 3 से 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। बात करते हैं उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा द्वारा पारित किया गया 5 अगस्त 2019 को। इस विधेयक में उभयलिंगी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करना, राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद की स्थापना करने तथा इनके सशक्तिकरण हेतु प्रावधान किए गए हैं। इसमें बात करते हैं रात्रि पाली में महिलाओं को काम करने हेतु मंजूरी। गोवा विधानसभा द्वारा उद्योगों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने के संबंध में कारखाना गोवा संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। इस विधेयक में उल्लिखित प्रावधानों के तहत महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक काम कर सकेंगी। गर्भपात विरोधी विधेयक अमेरिकी प्रांत अलबामा की सेनेट में गर्भपात विरोधी विधेयक पारित हुआ। इस विधेयक के तहत गर्भपात करने का दोष सिद्ध होने पर डॉक्टर को 99 वर्ष तक का कारावास का भुगतना होगा। आगे देखते हैं जीरो प्रेगनेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय की इस प्रायोगिक परियोजना पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसमें न्यायालय में लंबित मुकदमों का 1 वर्ष में निपटान करने हेतु मौजूदा न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। अपनी तरह की इस पहली परियोजना का उद्देश्य लंबित मुकदमों को निस्तारण करना है, संबंधी उपायों की जांच करना है। बात करते हैं देश का 25वां उच्चतम न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु मंजूरी दी गई है। 1 जनवरी 2019 को यह अमरावती में स्थापित किया गया। ठीक है, याद रखिए। तो चलिए, ये था विधि न्याय से संबंधित एक टॉपिक। बात करेंगे वर्ष दिवस और सप्ताहों के बारे में। ठीक, कब क्या कौन से मनाए जाते हैं। ठीक।